हंसते और मुस्कुराते रहे और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहे। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं मुंबई। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है कनाडा रिक्वेस्ट इंडियन स्टूडेंट्स टू कम, जगमीत सिंह लेट्स एक्सपोज टीसीडी विद मेजर गौरवालिया। मेजर साहब आए जी, तो देखते हैं वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। काउंटर करते हैं 3, 2, 1। मैं तो डे वन से कह रहा था चिचोरा है, आप ही लोग नहीं मान रहे थे। आप लोग कह रहे थे नहीं नहीं यार, वो थोड़ा सा भारत के साथ उसके थोड़े से डिफरेंस होते हैं, लेकिन यार चिचोरा चिचोरा सबसे बड़ा यही है। जस्टिन ट्रूडो के साथ मिलकर इसने सरकार बनाई है, इसके बिना जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, इतना पावरफुल बंदा। ये कह रहा है कि वो जैसे सपेरा बीन बजा के अंदर से सांप निकालता है ना, इनके हलक के अंदर से खालिस्तान निकाल रहा है। जिथे बंदा मार के कसूर पूछ दे, जट उस पिंड नू बिलोंग करदा, ये सब बच्चों वाले गाने हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों बड़ी चटपटी खबर है और सारी खबरें हैं, पहली दो तीन कनाडा से, आपका फेवरेट कनाडा उर्फ खालिस्तान। अच्छा जी, हम लोग तो पैसे देते हैं 60,000 करोड़ यानी कि अरबों डॉलर हमारे स्टूडेंट जाके कनाडा पढ़ते हैं। अब वहां पे कनाडा के अंदर गुरपतवंत सिंह पन्नू ने करी बकवास, उसने करी बकवास और उसने मुंह फाड़ा और उसने बोला हिंदू यहां से भाग जाओ। अब यहां के जो स्टूडेंट हैं उनको तो मैं भी कहता हूं, अभी मैं आगे अपना पूरा प्रवचन दूंगा आपको भैया, पूरा प्रवचन है आज इसमें, और मैंने उनको बोल रखा है कि तुम मत जाओ कनाडा, कुछ नहीं पता देखो खालिस्तानियों का, ये ऐसी पागल टाइप के लोग हैं, ड्रग एडिक्ट हैं क्या, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता यार। कोई स्टूडेंट चल रहा है बेचारा, पढ़ाई कर रहा है, पार्क में बैठ रहा है, कुछ अपनी किताबें देख रहा है, किसी को जाके चाकू मार दिया, ये कर सकते हैं खालिस्तानी। इसलिए मैं बता रहा हूं कि कनाडा को आप कोई यहां से भारत से स्टूडेंट ना भेजें, ये किसी को भी, ये सिर्फ हिंदू खतरे में नहीं है वहां पे, वहां पे सिख खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, वहां पे ईसाई खतरे में है, खालिस्तानी जो है इनसे सब कोई खतरे में। आप देखिए क्या कह रहे हैं, ये देखिए साहब, अभी ये कुछ डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ठीक है जी। कैनेडियन यूनिवर्सिटीज रीअश्योर कर रही हैं, उनको विश्वास दिला रही है भारतीय स्टूडेंट्स को कि आपकी सेफ्टी का हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। पर ये बैकग्राउंड क्या दे रहे हैं, हैं तो दिल के बुरे लोग, ये बैकग्राउंड दे रहे हैं कि भारत और कनाडा का जो डिप्लोमेटिक माहौल बिगड़ा है उससे आप मत डरिए। अरे बेवकूफ के बच्चों, ये उससे नहीं डर रहे, ये उससे डर रहे हैं कि कोई पागल का बच्चा खालिस्तानी किसी को चाकू ना मार दे, किसी के ऊपर किसी के मुंह पर एसिड ना फेंक दे, किसी को गोली मार के हत्या ना कर दे। ये सब मर्डरर्स हैं खालिस्तानी, और ठगमीत बैठा है ऊपर, ठगमीत जो है ठगमीत सिंह उर्फ जगमीत सिंह, ये बंदा ऊपर बैठा है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। वहां पे खालिस्तानियों ने कनिष्का उड़ा दिया पूरा, 350 बंदे मार दिए, उनको इस सिस्टम ने प्रोटेक्ट करा। यार मैं हिंदुस्तानी मां बाप से पूछता हूं, आपका एक बच्चा क्या है, माफ करिएगा मैं ऐसे जिसको कहते हैं ना कि कठोर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन सच बात है 350 बंदों को आज तक जस्टिस नहीं मिला यार, 350 बंदे मार दिए खालिस्तानियों ने हवाई जहाज से बम, और उनका कोई लेना देना भी नहीं था, इनोसेंट लोग मार दिए खालिस्तानियों ने। वो वहां पे वो हीरो है उनका जिसने वो कनिष्का बम उड़ाया, ये तो खालिस्तानियों का दिमाग है। तो आपके बच्चे की वहां पे क्या सेफ्टी गारंटी है, मार दिया किसी खालिस्तानी ने चाकू आपके बच्चे को, मार दिया किसी खालिस्तानी ने गोली किसी को, किसी एक्स बंदे को मार दी गोली, ट्रूडो तो कहेगा कि नहीं यार ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति की आजादी है, कनाडा में तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, हमारा संविधान है, हम लोग लिबरल हैं, जब तक दो चार की बॉडीज ना गिरे तब तक तो कोई दिक्कत, तो भैया कुछ भी हो सकता है। सो प्लीज अवॉइड सेंडिंग योर किड्स टू कनाडा, ये सब झूठ बोल रहे हैं, इनको पैसे की मार लग रही है। मैं आपको असली बात बताता हूं, कुछ फिगर्स देखिए आप। तो भाई साहब ये फिगर है कि इंडिया इज बाय फार कनाडाज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ग्लोबल स्टूडेंट, सबसे ज्यादा इंडियंस पढ़ते हैं कनाडा में, ठीक है जी। और वहां पे 40% जो है वो स्टूडेंट इंडियंस हैं, यानी कि 100 में से 40 भारतीय, यानी कि सबसे ज्यादा तादाद भारतीयों की है। ये 20 अरब कैनेडियन डॉलर यानी कि 14.6 अरब यूएस डॉलर्स, लगभग 15 अरब डॉलर हर साल सिर्फ कनाडा को देते हैं, और कनाडा के लिए आमदनी का बहुत बड़ा स्रोत है, ये बहुत बड़ा स्रोत है, 15 अरब डॉलर अमरीकी और तकरीबन 20 अरब डॉलर कैनेडियन, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है दोस्तों। अब देखिए करीब 1,00,000 स्टूडेंट्स ने इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी कर ली है, और ये सब दुनिया भर की चीजें यू नो इन्होंने कर दी हैं। अब ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैव बीन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन हैव सीन अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन रीसेंट इयर्स, हेल्पिंग द इंडस्ट्री टू एमर्ज एज वन ऑफ कनाडाज बिगेस्ट एक्सपोर्ट सेक्टर्स।
आउटपेसिंग ऑटो पार्ट्स। देखो जी ये देखो ना, क्यों ये लोग अब इनको लुप क्यों हो रही, ये सोचो आप। कनाडा बनाता था ऑटो पार्ट्स यानी कि कार के पुर्जे गाड़ियां, उनसे ज्यादा कमाई स्टूडेंट्स हमारे दे रहे हैं। सुनते रहो आप, जो कनाडा ऑटो पार्ट्स के लिए बड़ा फेमस था कि कनाडा में ये बनेगा वो, उनकी मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा स्टूडेंट से पैसा कमाते हैं, ठीक है जी। दूसरी चीज लंबर यानी कि लकड़ी, पेड़ की लकड़ी। कनाडा में यू नो कई 100 किलोमीटर तक जंगली जंगल है और ये कनाडा में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है अरबों डॉलर से, उससे बड़े हो गए स्टूडेंट्स। और तीसरी चीज एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज, हवाई जहाज के पुर्जे, ये भी आगे निकल गए स्टूडेंट्स। तो कनाडा के लिए बहुत बड़ा कमाई का स्रोत है। ये देख रही है इमिग्रेशन मिनिस्टर है मार्क मिलर, ये कह रहा है कि ये जो एसेट है ये बड़े ल्यूक्रेटिव है जो स्टूडेंट है कनाडा के लिए, राइट। अब मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, ये सब आपने सुन लिया इनकी स्टोरी कैनेडियंस की, अब मेरी बात सुनिए यार। साफ सीधी बात है, क्या जस्टिन ट्रूडो ने गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ कार्रवाई करी, हां या ना, मैं ये जानना चाहता हूं। क्या ठगमीत सिंह, चोर ठगमीत सिंह जो कि सरकार में बैठा हुआ है, क्या ठगमीत सिंह ने गुरपतवंत सिंह पन्नू जो मेरी क्यूट लोमड़ी है, मेरी क्यूट लोमड़ी के खिलाफ उसने को कार्रवाई करी? नहीं करी। ये लोग नहीं करेंगे। इनको मैं हिंदुस्तानी बाबा माँ बाप जितने भी हैं, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, इनको आपके जेब के पैसे चाहिए, ठीक है जी, इनको आपके जेब के पैसे चाहिए, इनको आपकी जान, आपके माल, आपके बच्चे के फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए अपने बच्चों को, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, एक चीज का ध्यान रखना, अपने बच्चों को कनाडा मत भेजो, मौत के मुंह में बच्चे को मत ढकेलो। और मैंने दो चार और मैं आपको बताता हूं, मैंने मेरी बात हुई जब से मैंने इसके ऊपर बात करना शुरू किया, कई लोग कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि क्या एक बात देखिए साहब, सिख पेरेंट्स कहते हैं कि जी हम तो खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करते, पर आपको लगता है कि हमारा बच्चा क्योंकि सिख है पग पहनता है, हमारा बच्चा पगड़ी पहनता है। देखिए खालिस्तानी ना ये सिखों के भी दुश्मन है। आप न्यूज़पेपर कनाडा को उठा के देखिए, जो सिख वहां पे खालिस्तान के साथ नहीं खड़ा होगा ये उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इन्होंने कईयों को तो मार दिया, सिखों को मार दिया इन लोगों ने। जो सिख सिर्फ इतना बोल देना कि भैया मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो यहां पे अपने फैमिली के लिए एक अच्छा फ्यूचर ढूंढने आया हूं कनाडा में, मुझे नौकरी करने दो, अपना बिजनेस करने दो, यार प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे परेशान मत करो, ये उसके पीछे पड़ जाएंगे कि क्यों ना तेरे को परेशान करें, पैसा दे। तो दोस्तों मैं सबको यही एडवाइस करूंगा, अपने बच्चे को पढ़ने के लिए कनाडा मत भेजो, इट्स हाईली डेंजरस, आपके बच्चे की जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक है। और जिसको ये गलतफहमी है कि किसी कारणवश आपके बच्चे को बख्श दिया जाएगा, ये सांप हैं, ये अपने बच्चों को नहीं बख्शते, दे ईट देयर ओन, ये खालिस्तानी इस प्रकार के हैं, तो इन पर भरोसा करने के लायक नहीं है। और ऊपर से पॉलिटिकल इनकी जो कयादत है, जो लीडरशिप है कनाडा की, वो भी इनको सपोर्ट करती है। ऐसी बात नहीं कि भगवान ना करे आपके बच्चे को कुछ हो गया तो आपको न्याय मिल जाएगा, नहीं, ट्रूडो वहां पे ट्रूडो कहेगा ठगमीत तूने बिल्कुल ठीक करा, इसका नुकसान कर दिया, बहुत बढ़िया करा, नो प्रॉब्लम, फ्रीडम ऑफ स्पीच है कनाडा में, थोड़ा सा हल्का हाथ रखिए इस मामले पर, ठीक है ना। और मैं एक और चीज कह रहा हूं, कनाडा को फाइनेंशियल नुकसान होने दीजिए, कुछ 8-10 अरब डॉलर का जब कनाडा को नुकसान होगा ना तभी औकात में आएंगे। इनको नुकसान होने दीजिए कनाडा को फाइनेंशियल, जब पेट पे लात पड़ेगी ना तब ये खालिस्तान का मुंह। देखिए मैं बताता हूं, मोदी जी ने बोला ना कि वीजा कैंसिल कर दो, हम तो ये चाह रहे थे कि ये भी वीजा कैंसिल कर दें वहां से कैनेडियंस, लेकिन कैनेडियंस चालू हैं, इनको पता था कि पैसे का नुकसान है, इन्होंने वीजा कैंसिल, ये जो वीजा है वो कैंसिल नहीं करा। मैं आज भी चाह रहा हूं कि कनाडा ये बोले कि हम इंडियंस को वीजा नहीं देंगे, तब आप मजे देखना इनके, अब मजे देखना, ना स्वाद आ गया तो मेरा नाम बदल देना। मैं आपको बताता हूं इनके अंदर का जो खालिस्तानी है ना, जस्टिन ट्रूडो का, और ठगमीत सिंह के दिल का जो खालिस्तानी है, ठीक है, इसको जैसे सपेरा बीन बजा के अंदर से सांप निकालता है ना, इनके हलक के अंदर से खालिस्तान निकालना है। और वो तभी होगा जब फाइनेंशियली आप कनाडा को मारेंगे, और आपके पास हथियार है ठोको कनाडा को, फाइनेंशियली, ओनली फाइनेंशियली, और कुछ नहीं करना, डिप्लोमेटिकली और फाइनेंशियली कनाडा को ऐसा मजबूर कर दो कि इसके नाक से लकीरें निकल जाएं, ये जस्टिन ट्रूडो ठगमीत दोनों की, ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, जस्टिन ट्रूडो ने आंख मार दी, गाना सुना है आपने, लड़की आंख मारे, लड़का आंख मारे, सीटी बजाए, हैं, वो जस्टिन ट्रूडो पे लिखा गया था। अब इसकी स्टोरी क्या है, उसने आंख क्यों मारी, और वो भी पार्लियामेंट में आंख मारी, ठीक है जी। जस्टिन ट्रूडो ने, ये नया स्पीकर है ग्रेग फर्गस, इसके साथ जा रहा था वहां पे,
और फर्गस ने उसको कॉन्ग्रेचुलेट करा, फर्गस को ले जा रहा था और यू नो और उसको बड़ा वेलकम कर रहे थे, लोग तालियां वालियां बजा रहे थे, फर्गस जी को ले जा रहे थे। फर्गस जी वहां पे गए, यहां पे गए, इन्होंने पहले आंख मारी स्पीकर को, फिर अपनी जीभ को दांतों तले दबा लिया। अब जो कैनेडियन हैं, अच्छा दूसरी चीज, जब स्पीकर ने जस्टिन ट्रूडो को यह बोला ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, तो इसने बोला वेरी ऑनरेबल, अपने आप को कह रहा है वेरी ऑनरेबल, और फिर इसने आंख मारी। यह स्टोरी थी। तो भाईजान ने आंख मार दी पार्लियामेंट में। अब पूरे वहां पे लोग कह रहे हैं कि यार ये तो छिछोरा है। कैनेडियंस कह रहे हैं कि ये जो जस्टिन ट्रूडो है यार, ये बंदा है क्या, ये तो छिछोरा है। ऐसा तो लड़के हरकत करते हैं, जो होते हैं यंग लड़के, जो कभी सब नहीं, कुछ कुछ ऐसी हरकतें करते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है खालिस्तान का, सॉरी कनाडा का, ये कनाडा का प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। मैं तो डे वन से कह रहा था छिछोरा है, आप ही लोग नहीं मान रहे थे, आप लोग कह रहे थे नहीं नहीं यार वो थोड़ा सा भारत के साथ उसके थोड़े से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन यार छिछोरा छिछोरा सबसे बड़ा यही है। जस्टिन ट्रूडो से बड़ा कोई छिछोरा नहीं है दोस्तों, ये बड़े वाला छिछोरा है और उसने प्रूव कर दिया। पार्लियामेंट में कौन आंख मारता है यार, सोचिए पार्लियामेंट में कौन आंख मारता है, सोचिए सोचिए। हाँ जी, अच्छा अब देखिए, ठगमीत सिंह, अपना फेवरेट ठगमीत सिंह, ठगमीत सिंह का एक पुराना वीडियो सामने आया है और मैं ये चाहता हूं कि वीडियो हम एक स्क्रीन ग्रैब दिखाएंगे और पीछे से ऑडियो चलाएंगे, जरा आप देखिए, फिर मैं आपको समझाता हूं ये स्टोरी है क्या दोस्तों। Yes, they were ultimate revolutionaries. It is about sick spaces and sick institutions, and it endorses violence as a legitimate form of resistance and survival. Armed struggle is the only way. Investing in armed struggle and destabilizing in India. So we have to create our independent country. So there will be violence when Khalistan is created, but this is inevitable. One is about sovereignty explicitly and uncompromisingly. It endorses the superiority of our culture, our language, and our ideals. It is about sick spaces and sick institutions. And it endorses violence as a legitimate form of resistance and survival to rebuild and to become Azad. अच्छा यहाँ पे ठगमीत सिंह जो है, ठगमीत सिंह बैठा है शमशेर सिंह के साथ और ये नेशनल सिख यूथ फेडरेशन साउथ हॉल यूके में इसका इवेंट हुआ खालिस्तानियों का। वहां पे शमशेर सिंह जो है नेशनल सिख यूथ फेडरेशन का, ये कहता है कि वायलेंस इज द ओनली वे टू स्ट्रगल। ही इज सेइंग, दिस गाय इज सेइंग कि सिर्फ वायलेंस, यानी कि जिसको कहते हैं कि हिंसा ही तरीका है जिससे आप भारत के साथ डील कर सकते हैं, और अगर हमें खालिस्तान चाहिए तो हमें हिंसा से भारत को डिस्टेबलाइज करना पड़ेगा। यह इवेंट हुआ था फरवरी 2016 का, यह 2016 का इवेंट है और जगमीत सिंह वहां पर था और जब बोल रहे थे कि भारत के खिलाफ हम आतंकवाद फैलाएंगे, ये गतिविधि करेंगे, भारत के खिलाफ ये करेंगे, ठगमीत उर्फ जगमीत वहां पे बैठा था, इसने कुछ नहीं बोला और बाद में बोला नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं हुई है। ये सब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है दोस्तों, ये सब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये सब चलता है यूके में, कनाडा में, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये उसके साथ बैठा हुआ है, अब आपको पता लग गया। मैं कहता हूं ना, लोग कहते नहीं नहीं वो ठगमीत जो है वो एक्चुअली क्या है कि ही इज अ पॉलिटिशियन यार, वो खालिस्तानी वालिस्तानी नहीं है, वो पॉलिटिशियन है। वो पॉलिटिशियन तो बाद में है, सबसे पहले उसका खून जो है ना, उसका खून खालिस्तानी है ठगमीत का। ठगमीत पूरे समय क्या कर रहा है, यही तो कर रहा है वो, ही इज डूइंग दैट ओनली। ठगमीत जो है 100% ऑफ द टाइम वो इसी चक्कर में पड़ा हुआ है कि किस तरीके से मैं इन लोगों को प्रोटेक्शन दूं जो कह रहे हैं कि भारत में ये कर देंगे, गोली चला देंगे, लोगों को मार देंगे। उनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन देता है ठगमीत। सामने वीडियो, आप खुद निष्कर्ष खुद निकालिए, मेरी बात मत मानिए, निष्कर्ष निकालिए, आपने वीडियो देखा है तो आपको पता है ठगमीत क्या कर रहा है। और इतना इसलिए मैं कहता हूं अपने बच्चों को मत भेजो, ये इंडिया में तो खालिस्तान बना नहीं पाएंगे, कनाडा में बनाने के चक्कर में। मैं बता रहा हूं, आप हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, इनको 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, पागल कुत्ता काट लेता है यार। पागल कुत्ता ये नहीं देखता कि आदमी इनोसेंट है या गिल्टी है, पागल कुत्ता काट लेता है, और यही पागल कुत्ते की खासियत है, मुंह से उसके जाग निकलता है, वो काट लेता है। आपको क्या लगता है खालिस्तानी क्या करेंगे अगर आप अपना बच्चा कनाडा भेजेंगे तो, सोचिए जरा इसके बारे में। ये ठगमीत है वहां पे, ही इज इन पावर, जस्टिन ट्रूडो का एलाई है, जस्टिन ट्रूडो के साथ मिलकर इसने सरकार बनाई है, इसके बिना जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। इतना पावरफुल बंदा ये कह रहा है कि भारत में वायलेंस करो, इसके बगल वाले कह रहे हैं और ये चुप बैठा है वहां पे, और बाद में अग्री कर रहा है, ये कह रहा है नहीं नहीं ठीक बोला, ये भी इसका मीडिया में स्टेटमेंट आ चुका है। तो आप सोच लो
कनाडा का जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है वो ये कह रही है कि कोई बात नहीं, गोलियां चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। वो ठगमीद बैठा है वहां पे। अच्छा जी, हरदीप सिंह निज्जर, अब ये देखिए, ये फिर से खालिस्तानियों का एक बड़ा मामला बन रहा है। हरदीप सिंह निज्जर के जो सपोर्टर हैं उसने बोला कि भैया खालिस्तान टाइगर फोर्स का मेंबर है। ये कनाडा में एक गुरुद्वारा में उसकी फोटो लगी। एक तो यार मैं एक बात बताऊं, गुरुद्वारा साहब जो होता है ना, भगवान का घर है, ये खालिस्तानी क्यों गंद मचाते हैं यार ऐसी जगह में? इट्स अ प्योर प्लेस, एक पवित्र पावन जगह होती है गुरुद्वारा साहब, वहां पर आप लोगों को ये काम यार। ये खालिस्तानी बिल्कुल दिमाग से खाली स्थान, दिमाग से पैदल, एब्सोल्युटली ब्लैंक। अब देखो जी, कनाडा का जर्नलिस्ट है डैनियल बोर्डमैन, उसने बोला है कि निज्जर के फॉलोअर कह रहे हैं कि खालिस्तान टाइगर फोर्स का ये मेंबर है, और उल्टा उसको, निज्जर को पकड़ने की जगह, ठीक है, कैनेडियन इंटेलिजेंस उसके साथ बैठती है, उसको पैसे वैसे देती है, दुनिया भर की चीजें करती है, उसको ग्रूम करती है, टेररिस्ट को, जो कि जिसको भारत ने टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा है, जिसको ऑर्गेनाइजेशन को भारत ने टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा है, राइट, उसको करने के बाद, और भारत से उल्टे इस टेररिस्ट के लिए पंगे ले रही है, इस टेररिस्ट के लिए भारत से पंगे ले रही है कनाडा की सरकार। तो ये कह रहा है डैनियल बोर्डमैन, कह रहा है यार तुम लोग पागल वागल हो क्या, अपनी सरकार को बोल रहा है। जस्ट सपोर्टर्स ऑफ हरदीप सिंह निज्जर डिस्क्राइबिंग एज अ मेंबर ऑफ खालिस्तान टाइगर फोर्स, अ ग्रुप डिस्क्राइब्ड ऑन विकिपीडिया एज अ मिलिटेंट फैक्शन ऑफ द खालिस्तानी मूवमेंट एंड लिस्टेड एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। भारत में इसको एक आतंकवादी संगठन, ये खालिस्तान टाइगर फोर्स को घोषित कर दिया गया, उसका मेंबर है ये, था निज्जर, हरदीप सिंह निज्जर। एक आतंकवादी के लिए कनाडा की सरकार भारत से लड़ने को तैयार हो गई। अब आप समझ लीजिए कि कनाडा की सरकार के अंदर कितने आतंकवादी घुसे पड़े होंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छा जी, आज तो बिल्कुल खालिस्तान की वाह वाह हो रही है यहां पर, बिल्कुल है जी, खालिस्तानी खुश हो गए आज, हाँ मेजर ने बिस्किट खिला दिया तुम्हें आज। देखो अब दोस्तों, जो खबर है ना, ये खबर क्या है कि अमृतपाल सिंह की मदर है बलविंदर कौर जी, माता जी हैं इनके, इन्होंने सेंटर से अपील करी है कि हमारे बेटे को और जो बाकी लोग हैं उनको पंजाब आप शिफ्ट करिए। ये डिब्रूगढ़ की जेल में, आसाम में, इनको बोला है कि आप पंजाब शिफ्ट करिए। और अमृतपाल सिंह ने हंगर स्ट्राइक यानी कि भूख हड़ताल शुरू कर दी जेल के अंदर, और इनकी मदर ने बोला है कि बेसिक राइट टू मीट द लॉयर वाज डिनाइड टू अमृतपाल। अमृतपाल से बोला कि इसका जो बेसिक हक है किसी का कि अपने वकील से मिले ना मिले, उसको मना कर दिया कि वकील से आप नहीं मिल सकते। और भाई राम सिंह, चीफ ऑफ सगरवारन फैक्शन ऑफ दमदमी टकसाल, स्ट्रांगली कंडेम द डिनाइल ऑफ परमिशन टू मीट रिलेटिव्स एंड लॉयर्स ऑफ द डिटेनीज, डीमिंग इट अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, ये ह्यूमन है ही नहीं अमृतपाल सिंह, इसको तो कूटो। देखो भैया, मैं आपको एक बात बताता हूं, जब आप देश के खिलाफ हथियार उठा सकते हैं, जब आप यह कह सकते हैं खुलेआम कि हम देश को संविधान नहीं मानते, देश का संविधान को, तो मैं फिर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और ये जितने व्यूअर्स हैं मैं आपसे पूछ रहा हूं, और इनमें से कोई अमृतपाल का सपोर्टर हो वो भी सुन ले और उसका भी जवाब दे मुझे। भाई एक बात बताओ, जो भारत का संविधान नहीं मानता, ठीक है, भारत का संविधान नहीं मानता, वो कह रहा मैं हथियार से चेंज लाऊंगा, वो हथियार लेके पंजाब में घूम रहा था, बड़े बड़े मर्सिडीज में, और जैसे पंजाब में वो चौड़े चौड़े टायरों की एसयूवी है, अब वो टायर पंचर कर दिया सरकार ने, अब वो एसयूवी चल नहीं रही, ठीक है जी, एक जानवर की तरह भागता रहा अपनी जान बचा के, फिर उसको अरेस्ट करा है, अब वो डिब्रूगढ़ जेल में है, तो क्या दिक्कत है यार? मुझे ये बात समझ में नहीं आई, प्रॉब्लम क्या है? आप भारत के संविधान में जब विश्वास ही नहीं रखते हैं, व्हेन यू डोंट बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाई डू यू वांट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज? वकील चाहिए क्यों आपको? आप तो प्रोसेस ऑफ लॉ में बिलीव ही नहीं करते। नहीं, वकील मिलना है, आपका हक है, मैं मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका हक नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि आपको भारत के खिलाफ काम भी करना है, फिर आपको भारत से रहम भी चाहिए, ये दोनों चीजें नहीं हो सकती ना यार, ये गलत है, ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। और मैं तो ये कह रहा हूं कि ये डिब्रूगढ़ क्यों रख रखा है इसको यार, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। इसको भेजिए उत्तर प्रदेश, यहां के लोग मेहमान नवाजी के लिए बड़े मशहूर हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस मेहमान नवाजी के लिए दुनिया भर में फेमस है, यहां पर गाड़ियां दाएं से बाएं हो जाती हैं, पलट भी जाती हैं। अमृतपाल सिंह को भेजिए यूपी, तब पता लगेगा। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं अमृतपाल के सपोर्टरों को, जो तुम लोग अमृतपाल को इतना तुम हीरो बनाते हो ना, गनवन दिखा के, ये सब तुम लोग बच्चे हो भी, ठीक है, मैं, अच्छी बात है, पंजाब बहुत अच्छा स्टेट है, बड़े प्यारे लोग हैं, मेरे दिल के बड़ा करीब है, लेकिन जो आप वायलेंस दिखाते हो ना पंजाब में, ये सिर्फ म्यूजिक वीडियोस तक ही महदूद है। पंजाब में 70% ऑफ वायलेंस इज ओनली इन दिस म्यूजिक वीडियोस। वो गन लेके निकल रहा है, एक गाड़ी से, एसयूवी से निकल रहा है, ये सिर्फ म्यूजिक वीडियो में, गाने गाने तक आपने वायलेंस अभी देखा ही नहीं है।
यू हैव नॉट सीन वायलेंस एंड भगवान करे आप कभी वायलेंस ना देखो। हाँ, पंजाब ने सिर्फ तब देखा था जब 80 के दशक में वहां पे आतंकवाद चल रहा था, तब पंजाब ने बहुत वायलेंस देखा, खून खराबा देखा। लेकिन आफ्टर दैट एंड बिफोर दैट पंजाब हैज बीन लार्जली पीसफुल। पॉलिटिकल वायलेंस होता है, गैंग वॉर्स होते हैं, छोटे मोटे होते हैं, लेकिन देखा कहां, ये सब म्यूजिक वीडियोज में है आपका कि खब्बी सीट पे बंदूक रख दा है जी, और क्या है वो कि जिथे बंदा मार के कसूर पूछ दे जट उस पिंड नू बिलोंग कर दा, ये सब बच्चों वाले गाने हैं। ये तो योगी जी आ गए यूपी में, वरना हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि वायलेंस होता क्या है। दिखाते मतलब आप आके देखते खुद। वो तो योगी जी के आने के बाद सारा मामला सन्नाटे में चला गया, वरना जिस लेवल का वायलेंस उत्तर प्रदेश ने देखा, जिस लेवल का वायलेंस आज की तारीख में बिहार में, जिस लेवल का वायलेंस वेस्ट बंगाल में, आप सोच नहीं सकते। वहां पे वायलेंस जो है पंजाब में 90-70-80% जो भी परसेंटेज आपको लगानी है, ये सिर्फ ऐसे ऐसे करके म्यूजिक वीडियो में कि खब्बी सीट पे बंदूक, ये सिर्फ म्यूजिक वीडियोस का वायलेंस है, आपने रियल वायलेंस देखा नहीं है। हमने ट्रेलर देखे हैं थोड़े बहुत, ठीक है, इसलिए हम जानते हैं। ये जो पिक्चरें बनती है ना, ये वेब सीरीज बनती है मिर्जापुर और गैंग्स, ये गलत नहीं है, ये इसमें कैरेक्टर्स थोड़े से फिक्टिशियस हैं, लेकिन दीज आर ऑलमोस्ट ट्रू स्टोरीज। गैंग्स ऑफ वासेपुर या फिर मिर्जापुर, ऐसे लोग हैं, और इससे 10 गुना ज्यादा लेवल ऑफ वायलेंस उत्तर प्रदेश में, बिहार में तो आज भी होता है, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि जमीन पे आ गया वायलेंस यूपी में। तो ये सब अमृतपाल सिंह, ये इसको भेज दो उत्तर प्रदेश, इधर ही देख लेंगे इसको। तो दोस्तों आज का यहीं पे वीडियो खत्म हो गया, डेटा दिखा रहे थे मेजर साहब जी, ये डेटा तो हमने पहले भी देखा है कि इंडिया के कितने ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो जाते हैं कनाडा में, और साफ ज़ाहिर है भाई कि वहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट तो रहेगा, इंडियन स्टूडेंट जो भी जाते हैं। लेकिन अब तक जो इतनी वीडियोस देखी है ना, कुछ ऐसा दिखा नहीं कि जो इंडियन स्टूडेंट गए हों उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ बदतमीजी की हो या इस तरह का कोई, क्यों करेंगे यार, अभी देखा नहीं है, लाखों की तादाद में स्टूडेंट है, लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में लाजमी है, रुके भी नहीं, एक अच्छा फ्यूचर उधर है, अच्छी स्टडी उधर मिल जाती है, लोगों का फ्यूचर बन जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रोका है ना इनको, भाई ना जाओ अभी इंडियन स्टूडेंट्स को। और देखा जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान इन तालिब इल्मों का होगा भाई, कितने पैसे लगा कर, कितनी वो लगा कर। अगर इंडियन स्टूडेंट इधर से जाते हैं, कल को खालिस्तानी उनको पकड़ धार लेते हैं, लेकिन इस तरह भाई मेरे ख्याल में कैनेडियन गवर्नमेंट धरने नहीं देगी, ये बात इस तरह भाई वो सेफली जो है सारा तरीके कार कर रहे हैं, ये कौन सा मुद्दा है, ऐसे उठा है कई सालों से उठा है, क्योंकि अगर खालिस्तानी वहाँ पर कैनेडा में इंडियन तालिबे इल्मों पर हमला करते भी है तो फिर भाई साहब कनाडा की हुकूमत खालिस्तानी करेंगे ना, याद रख लेना, आपने देखा भी है फिर भी देख लेना, वो ऑस्ट्रेलिया या यूके में ही होगा या अमेरिका में, इधर वो बहुत काम करेंगे, क्योंकि इधर सियासी जो है ना काम इनका 25-26 सीटें हैं खालिस्तानियों की, वो इधर ऐसा करेंगे तो उनसे भी पानी फिर जाएगा, कनाडा के अंदर नहीं आता कुछ करेंगे, पावर को खो दे, जितना यूके में उन्होंने उनके मिनिस्टर को रोका है इंडिया में, इस तरह वो ऑस्ट्रेलिया में रोक सकते हैं या कुछ की कार करेंगे, कनाडा में बहुत कम वो करेंगे, ये भी याद रख लेना। वैसे ना एक चीज है कि हरदीप सिंह निज्जर हिंदुस्तान की नजर में वो एक दहशतगर्द है, बिल्कुल खालिस्तानी की नजर में एक हीरो है, तो पहले तो दो खालिस्तानी को माने गए, तो जो हरदीप सिंह निज्जर है उसके हिसाब से, खालिस्तानी के हिसाब से वो एक फ्रीडम फाइटर है, ये अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे ही है, जिस तरह यही होगा बलोचिस्तान वाले हैं, वो अगर पाकिस्तान तो दहशतगर्द बोलता है, लेकिन वो और इंडिया बोलता है कि वो जी फ्रीडम फाइटर है, लिबरल आर्मी इस तरह करके वो बोलते हैं, ऐसे जो इंडिया की नजर में इंडिया उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइज कर चुका है,
तो उस हिसाब से जो कंट्री को तोड़ेगा तोड़ने की कोशिश करेगा उस हिसाब से वो तो भैया टेररिस्ट वही तो बात है भैया अपने अपने हिसाब से चलता है ना बंदा कि पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ या कोई खड़ा होता है उसको हम तो दहशतगर्द ही बोलेंगे या हमारी जो सरकार है लेकिन उनके लिए क्या है वो बलूचिस्तान वालों के लिए क्या है वो जी फ्रीडम फाइटर हो गए तो जो उनको सपोर्ट करते हैं वो भी बोलेंगे उनको लेकिन बेटे सर बोल रहा है इंडिया में खालिस्तान बने या ना बने जो कनाडा का जरूर बन गया भाई खालिस्तान बगैर अच्छा जब उनकी 25 सीटें हो गई है तो फिर देख लो खालिस्तानियों की ही है ना ऐसी बात जब भाई मिसाल के तौर पे वो इस बार पावर में आ जाते हैं अगर एक मिसाल के तौर पे अपोजिशन के साथ मिलके वो पावर में आ जाते हैं तो फिर क्या होगा उनका कुछ ना कुछ रोल होगा ना कुछ तो उनका असर रुख होगा ना फिर बिल्कुल इधर इधर कौन सा काम आपको दिखाई दे रहा है हुकूमत के साथ मिलकर जो काम कर रहे हैं पर भी स्ट्रॉन्ग है तो भाई साहब उसकी मानी जा रही है उसकी सपोर्ट एजेंसियां उसके साथ मिलकर काम कर रही है ऐसी बात है कुछ इंडिया जैसे कंट्री के खिलाफ तो नहीं ना कनाडा कभी भी जाता ना सोच भी नहीं सकता पावर तो है अब जिस तरह मुद्दा उठता है ना लेकिन काफी अरसे बाद दोबारा से फिर हिला है ये ज्यादातर हिला है जो अमृतपाल आया था दुबई से उसके बाद अच्छा, जो है वो ज्यादा अमृतपाल ने ना गलती की है कि मेरे ख्याल से तो गलती की है इंडिया में आ गया अंदर इंडिया की आवाज उठाई वो गलती अपनी खुद को ही जेल में डालने आया था उसको पता भी था उन्होंने आवाज नहीं उठाने देनी फिर भी वो अपने आप को हीरो बना के आया फिर भड़काने वाले है ना आज क्या उनको चुनाने आएंगे उसकी जमानत करने आएंगे कुछ भी नहीं आएगा वालदा उसकी कह रही है इसकी इंतजार कर दो या ये करो वो कर दो दूर है ना तो मुलाकात करने में दिक्कत होगी अच्छा इस पागल को ये नहीं समझ आ रही थी अगर आपने ये करना ही था आप भी दूसरों की तरफ कनाडा अमेरिका इधर जाके हमारा अगर आवाज उठाते नहीं सिर उठाते रहते वो एक अलग बात थी ये इतनी जरूरत इसने की इंडिया के अंदर आके इसने आवाज उठाई और फिर भी उनकी चौकियों तारों पे हमले किए गलती नहीं इंडिया में भी तो लोग अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने की ना आज वो फैन फॉलोइंग वाले किधर है अब कोई मुलाकात पे भी नहीं जाएगा अकेला ही भुगतेगा अगर दूर से बैठ कर कनाडा से बैठ कर कोई आवाज उठाता रहे तो इधर उनकी फैन फॉलोइंग थोड़ी हो जानी अगर इधर आएगा तो फिर और ज्यादा लोग जुड़ेंगे चलो अब देखते कितने लोग उसके साथ जुड़ेंगे जो जुड़े थे वो कुछ दिनों के लिए जुड़े जितनी देर वो बैठे ऐसे ही नहीं इतनी देर भागा कितना मर्जी वो पुलिस थाने से जाके ऐसे बंदों को छुड़ा कर नहीं लेकर आया के लेकर गया था बंदे को छुड़ा कर लेकिन जितना मर्जी भाव किसी को पकड़ा था वो तो बताता है मतलब वो गया थाने में जाके भाई साहब धमकी दे के छुड़ा कर ले आया वो तो मैंने वीडियो भी देखी हाँ लेकिन इसका मतलब क्या है तेरी बात इसके मतलब पीछे कुछ है तो भाई थे बैकग्राउंड होती है सैकड़ों के हिसाब से लोग उसके पीछे थे भाई जिस तरह इमरान खान पंजाब नहीं लेकिन कुछ फॉलोअर थे हाँ। तो वो बड़े थे भाई अमृतपाल के आने से खालिस्तानियों की तादाद में बढ़ोतरी हुई थी तो अब कहां गए जब वो लीडर ही अंदर चला गया अब जो अब आवाज क्यों नहीं उठती अब जो ऑपरेशन है गवर्नमेंट ने डंडा दे दिया है हाँ। हाँ। अब कहां गए यार जो मर्जी खालिस्तानी पैर जितना मर्जी वाह करते रहे ना पैर वो वही रहेगा इंडिया को भाई साहब बहुत मुश्किल है तोड़ना उसने ना ट्रेन को ना डंडा मार दिया ट्रेन को डंडा मार दिया ये बात बड़ी पुरानी क्या गिरेगी नहीं लेकिन कमदी तोड़ तक जैसी कमती जाएगी तो भाई जो ये आवाजें उठती है ना इस तरह की ये टूटना तो नामुमकिन है लेकिन इससे खराबियां जो होती है ना वो कंट्री में बेसकूनी पैदा होगी और जब कंट्री में बेसकूनी पैदा रहती है तो वो भाई साहब इकोनॉमिकली हर लिहाज से मतलब नीचे नीचे ग्रो नहीं उस हिसाब से करना चाहिए इसके कामों से अगर कुछ इंडिया के अंदर होता फिर सिक्योरिटी इशू के भी बात उठना शुरू हो जाती है अगर कुछ इस तरह का होता है अब आतंकवादी जहाँ पर गिरेंगे बिलोके लेके बिल्कुल फिर सिक्योरिटी इशू भी लड़ेंगे एकता में सुनते नहीं एकता में पावर है कोई शक नहीं तो भाई जब एकता ही नहीं रहेगी वो पावर कैसे आगे कंट्री कैसे बढ़ेगी आज हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है एकता की वजह से कर रहा है अगर एकता नहीं होगी
इस तरह आए दिन वो मणिपुर वाले लड़ रहे हैं आपस में, ये सिख और लड़ेंगे हिंदू भी आपस में, ये खराबी ही चलेगी भाई खालिस्तानी और कंट्री का नुकसान हो, तो ये कंट्री का नुकसान होता है भाई। इसमें गवर्नमेंट जो है ना जिस तरह मर्जी सब स्टेप ले, हक बनता है बेसब। सरकार का क्या मकसद होता है? जोड़ के रखना कंट्री को, एक कानून चला अपना लागू करना। अभी तो हुकूमत होती है, हुकूमत का क्या मकसद होता है कि भाई कंट्री है, इतने स्टेट है, इनके ऊपर उनका कानून लागू है। अब अमृतपाल की बात करें, वो कहता मैं कानून को मानता नहीं, तो स्टेट का काम होता है कि कानून लागू करना। तो वो जो इसके होते हैं वो चीजें उसके अंडर काम करवाना। कंट्री को जो तोड़ेगा भाई साहब स्टेट धरेगी उसको अच्छे से, तो भाई कर भी रही है। लेकिन ये भाई इसकी वजह से ना ये साफ जा रहे भाई टारगेट किलिंग तो अच्छा, जब से ये शुरू हुआ है ना अलहदा अपना कंट्री बनाने के लिए, अगर सारे के सारे जुट हो जाते ना तो बात किसी साइड पर लग जानी थी। 100 में से ये कोई 40% होंगे जो आवाजें उठाने वाले, 40 भी नहीं, बाकी ये 60% तो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, 5 भी नहीं होने। चलो 10 कर ले, 10 भी बाहर निकल आते तो बेशक हुकूमत को हाथ पड़ जाने थे। मतलब कहने का ये ज्यादातर इंडिया के साथ ही रहना चाहते हैं, बिल्कुल लैंड लॉक कंट्री भाई साहब क्या कर ले। अच्छा पाकिस्तान में भी ना बातें छिड़ी हुई हैं कि खालिस्तानी अगर पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है खालिस्तान की, तो खालिस्तान चलो फर्ज करो खालिस्तान जो है वो ले लेते फर्ज किया, फिर जी वो क्या करेंगे जो पाकिस्तान के पास है पंजाब का एरिया, वो भी कहेंगे कि भाई हमने लेना है क्योंकि वो कहे या ना कहे, लेकिन हम लोग जरूर बोलेंगे दूसरे जो हमारे स्टेट से अलग है, क्योंकि हमारा सारा बजट ही उधर जा रहा है, हमारे तो पूरे पंजाब को पता है कितना बोझ है भाई, मतलब पंजाब को ऊपर सबसे ज्यादा बोझ है हर यहां से पाकिस्तान का भी होना, इन्होंने भी बोलना है भाई साहब हमें भी साइड पर कर दो। तो पंजाब भी पहले भी पंजाब ही लेता है बोझ, पहले पहले लेकिन बोझ सारा ये भाई हेलो, पहले पहले पार्टीशन हुई तब भी ये पंजाबी मरे, अब फिर इनको ही मरवाना चाहते हो। लेकिन ओवरऑल जो हमारे यहाँ सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पंजाब ही सभी दूसरे सूबों के पैसा खर्चे पंजाब भी उठा रहे, इलेक्ट्रिसिटी इधर इधर बाहर वाले सूबे पैसा भी इलेक्ट्रिसिटी वसायल भी ना दूसरे सूबों के पंजाब ही खा रहा है, इस बात को भी मद्देनजर रखा करो। तो बोझ भी तो इसी के ऊपर ही है ना, सारा बोझ भी तो इसके ऊपर है ना, हमारे घर में सुई गया था भाई। हाँ और वहाँ जहाँ से निकल रहा है वो महंगा है, उसके पास नहीं है तो ऐसे नहीं है वो। अच्छा इधर इधर कितने कितने लोगों के पास, जिन लोगों ने मीटर नहीं लगाया उनके पास जबरदस्ती थोड़ी थी ऐसे ऐसे उन्होंने भी चल तो रही है ना, कैसी हमको जैसे ऐसे तूने इधर किया उधर इधर से सुई कैसे निकल रही है, आज दिन कितनी वीडियोस देखते हैं वो वहां पर नहीं है लोगों के पास है तो यही तो वो सर पीटते रहते हैं इधर जो है। आप लोगों ने लगवाई नहीं हुई, इतना खर्चा उसका है, कभी आती है कभी नहीं आती है, खाना पीना इसी पे पकता है और जब नहीं थी तब लकड़ियां तो ना होती था भी लकड़ी से गुजारा हो। अच्छा ये बस ये कहने किस तरफ चल पड़ा है, तुम लोगों ने उधर जाकर देखा नहीं, मुझे ये बताओ सब किधर से जो निकल रही है, नहीं बेशक बेशक इसके कहने का मतलब उधर भाई साहब अगर है भी ना उनको सस्ते पाकिस्तान का सारा बर्डन जो है लोगों को पड़ रही है वो पंजाब में उठा रखा है भाई, मजे भी पंजाब ही लूट रहा है भाई साहब, वजन भी तो उठाया हुआ है ना, ये सारी बातें देखनी पड़ती है। चलो जी ठीक है भाई, अब देखते हैं क्या होता है। और भाई इसमें ना टोटल जो मामला चला हुआ है ना, चलो ये जो टारगेट किलिंग हुई है भाई साहब साफ जा रहे खालिस्तानी को ठोका तो गया है कि चाहे किसी एजेंसी ने ठोका है, साफ जा रहे भाई साहब सबूत हमारे पास, आप बोलोगे सबूत है, सबूत नहीं है भाई साहब, एजेंसी छोड़ती नहीं है, एजेंसी क्या जो सबूत छोड़ दे। हाँ, ये बात भी है, वो पाकिस्तान जैसी नंबर वन एजेंसी सबके पास थोड़ी होती है, नंबर वन वालों को तो आज सैमसंग गया है। तो भाई ये जितनी सफाई के साथ काम हुआ ना, ये गैंगवार वाले इतनी सफाई से काम नहीं करते, ये एजेंसी वाले ठोकते हैं, प्रोफेशनल जो होते हैं। चलो और हाँ जहाँ तक फाइव आइज की बात करें, कहीं ना कहीं उनके पास उनको सारा पता भी होगा ना, लेकिन वो बोलेंगे अपने मफाद में छिपाएंगे, भाई साहब इंडिया की जरूरत है जी बिल्कुल, साफ जा रहे भाई साहब CIA हो गई, मसाद हो गई, इनको ये जो दूसरे UK की एजेंसी हो गई,
ऑस्ट्रेलिया, इनको कहीं ना कहीं सुराग तो होना ही है कि किसने करवाया है, लेकिन ये बोलेंगे नहीं क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से इंडिया के साथ रिलेशन खराब हो। बिल्कुल। और इस पूरे मामले में ट्रूडो की मजबूरी थी भाई साहब अपनी कुर्सी के लिए, इसलिए वो खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहा है, वरना भाई साहब इसमें टोटली नुकसान जो है ना वो हो रहा है जी कनाडा का। सही बात। क्योंकि इकोनॉमिकली इसका लॉस है भाई, $20 बिलियन कम नहीं होता। सही बात है। अगर $20 बिलियन सिर्फ स्टूडेंट फीस दे रहे हैं ना तो वो उधर उधर कुछ खा पी भी रहा है, उसके कमाई करके उनको नहीं पैसे और दे रहा है। कितने ज्यादा कारोबार है जो वो करते हैं, लकड़ी का कारोबार देते हैं। सही बात है। एक क्राफ्ट इस तरह के और जो बड़े बहुत सारे पुर्जे जो बनते हैं उधर से बनते हैं, वो काम करते हैं लोग। कारों का काम देख लो सारे सभी उसके अंदर स्टूडेंट काम नहीं कर रहे। सही बात। कितने बड़े इंजीनियर टेक्नोलॉजी लेकर टेक्नोलॉजी को बढ़ोतरी दे रहे हैं। तो भाई अब जो जो है अब मुद्दा ये है की स्टूडेंट को जाना चाहिए, यकूब नहीं ना मानता था इस बात को, अपनी गारंटी पे जाना है भाई साहब। अगर कुछ हो गया तो गवर्नमेंट जिम्मेदारी नहीं उठाएगी, लेकिन गवर्नमेंट की मजबूरी भी होती है। अगर जिस तरह यूक्रेन में फंस गए थे स्टूडेंट, तो अगर कल को ऐसे हालात पैदा होते हैं तो फिर कोई प्रेशर करना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।